बच्चों पहले हमने लिखना सीखा, अब हम सरगर्मी करते हैं। सरगर्मी नंबर 1, हर्फ को तस्वीर से मिलाएं और रंग भरें। बच्चों आपने रंग भी भरने हैं, ओके। ये क्या है? अलीफ, अलीफ से अलीफा अंडा। अंडा कहाँ है बच्चों? ये अंडा नहीं, ये है। इसको अलीफ को अंडे से मिला देंगे। अलीफ के बाद बे, बे बा के नीचे एक नुक्ता, बे बा से बत्तर। पे, बे के बाद पे, पेपा पत्ता। पे के, पेपा के नीचे तीन नुक्ते, पेपा को पत्ते के साथ मिला देंगे। पे के बाद क्या आता है? ते, तेता तितली। तेता के ऊपर दो नुक्ते, तेता को तितली के साथ मिला दें। मिलाने के बाद बच्चों आपने रंग भी भरने हैं, ओके। सरगर्मी नंबर 2, नुक्ते लगाए और रंग भरिए। ये क्या बना हुआ बच्चों? बतख। बतख किससे बनता है? बे, और बे के नीचे एक नुक्ता, बेबा बतख। आगे क्या है? ये टोपी, टेटा टोपी। टे के ऊपर छोटी सी टोपी। टे के बाद क्या आता है? ये क्या बना हुआ है बच्चों? ये क्या बना हुआ है? तितली। तितली किसे बनता है? तेता तितली। ते के ऊपर दो नुक्ते। ये क्या बना हुआ है बच्चों? पत्ता। पत्ता, पत्ता कैसे बनता है? पे, पेपा पत्ता। पेपा के नीचे तीन नुक्ते। ये क्या है? जहाँ ज़्यादा से फ्रूट्स होते हैं, फल पड़े हुए होते हैं, हम क्या कहते हैं उनको? समर। और समर किसे बनता है? सेसा समर। सेसा के ऊपर तीन नुक्ते। और बच्चों आपने इन सारी पिक्स में कलर भी करना है। सरगर्मी नंबर 3, दुरुस्त हर्फ के गिर्द दायरा लगाइए और रंग भरिए, रंग भरें। बच्चों ये क्या बना हुआ है? समर। और समर किसे बनता है? से सा समर। से के ऊपर तीन नुक्ते। क्या ये से है? नहीं, ये से है। नहीं तो ये से है। से सा के ऊपर तीन नुक्ते से आपने सेसा को सर्कल लगा देंगे। और आगे ये क्या बना हुआ है? बतख। बतख किसे बनता है? बेबा बतख। बेबा के नीचे एक नुक्ता और बेबा के गिर्द आपने दायरा लगा देना है। ये क्या बना हुआ है? पत्ता। पत्ता किसे बनता है? पेपा पत्ता। पेपा के नीचे तीन नुक्ते और पेपा के नीचे गेंद आपने दायरा लगा देना है। ये क्या बना हुआ? टोपी, टेटा टोपी। टेटा के ऊपर छोटी टोपी और टेटा को दायरा लगा देना।